नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान यूट्यूब गाजीपुर फ्रंटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं मुंबई के स्टेशन बांड्रा दोस्तों आप लोग सुने होंगे बैंड स्टैंड का नाम। जी हां दोस्तों, बैंड स्टैंड वही बैंड स्टैंड दोस्तों जो कि बहुत ही फेमस दोस्तों, जिसको लवर पॉइंट के नाम से आप लोग जानते हैं। जी हां दोस्तों, ये देखने में तो बहुत ही खतरनाक जगह है दोस्तों, क्योंकि ये समंदर से घिरा हुआ है दोस्तों। समंदर इसके बगल से होते हुए दोस्तों बहुत दूर तक फैला हुआ है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर जगह भी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये समंदर की लहर और ये जगह पे चट्टाने और यहाँ पे सैलानी लोग आए हुए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही सैलानी आते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ की खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ जो लवर्स लोग आते हैं दोस्तों, अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं लोग। टाइम स्पेंड के साथ साथ दोस्तों अपना जो है कि अपना दोस्तों वो क्या बोलते हैं, अपना इमोशन जो होता है दोस्तों, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं दोस्तों और अपने प्यार को बांटते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो पुल दिख रहा है आप लोग को, जैसे कि अभी इधर कैमरामैन दिखा रहे हैं, तो मैं आपको लेके चलूँगा दोस्तों उस पुल के पास, जो कि बांड्रा का पुल है दोस्तों, जो हाजी अली दरगाह से दिखता है। तो यही पुल दोस्तों जो हाजी अली दरगाह से दिखता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं भी हूँ, कैमरा मैन नीलेश चौहान दिखा रहे हैं, मैं भी खड़ा हूँ दोस्तों उन सैलानियों में, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हम लोग दोस्तों ऐसे ही घूमने चले गए थे, काफ़ी अच्छा नाम सुना था हमने इसका, इस बैंड स्टैंड का। तो ये कैमरा मैन भी सामने खड़े हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं नीलेश चौहान को। और इस समंदर की लहर आप लोग देखिए कितनी तेज़ी से आ रही है दोस्तों। तो आप लोग को मालूम है दोस्तों, समंदर कितना भी तेज अपनी लहर लाए दोस्तों, साहिल के किनारे आके दोस्तों समाप्त हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ऊपर तक पानी लगा हुआ है, पत्थर के ऊपर तक। और दोस्तों ये बांड्रा का ये ब्रिज है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस ब्रिज है, समंदर के बीच में है दोस्तों। और ये बांड्रा का पुल है दोस्तों, जो कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ दोस्तों और लोग घूमने के लिए जाते हैं इसके माध्यम से। और आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये फिल्मों में यहाँ पे शूटिंग भी की जाती है। तो दोस्तों ये सामने वाइट सा दिख रहा है चेक पोस्ट दोस्तों, और सारे दोस्तों यहाँ पे नारियल के पेड़ दोस्तों बहुत सारे हैं, ऐसे मालूम पड़ता है केरला है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये ताज लीजेंड इन से दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों देखने में। और यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग आए हुए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को देखिए दोस्तों, अगर नहीं आए हों तो आप लोग घर बैठे इसका आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये पानी का लहर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लहर है। तो दोस्तों हम लोग तो खड़े थे यहाँ पे और भीग गए, इतना ज़बरदस्त लहर आया दोस्तों कि हम लोग कैमरा लेके भाग गए वहाँ से, बहुत तेज लहर था दोस्तों। और इस पानी के अंदर दोस्तों इतना नमक डिजॉल्व हुआ है, इतना नमक घुरा है दोस्तों, जो कि घुलनशील है, बहुत ज़्यादा नमक है दोस्तों। इसको हम लोगों ने मुंह में लेके चेक किया था दोस्तों, तो ये काफ़ी नमकीन था। तो इस लहर का दोस्तों आप लोग आनंद उठाइए। और दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, जब ये लहर आ रही है दोस्तों, तो इस पर जैसे साबुन का झाग होता है दोस्तों, जैसे साबुन का झाग आ गया है। और दोस्तों ये काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इसका जो लहर है, आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों इस नज़ारे को। तो हम लोग का मूड ही बन गया दोस्तों कि हम लोग भी आए हैं दोस्तों। ये जो बांद्रा स्टेशन है दोस्तों, बांद्रा स्टेशन से कुछ ही दूर पर ये जगह है दोस्तों, इसको बैंड स्टैंड के नाम से बुलाया जाता है दोस्तों। अगर आप लोग बांद्रा स्टेशन पर उतरेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे ये बैंड स्टैंड के लिए रास्ता जाएगा, लिंक रोड के लिए जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वहाँ से ऑटो पकड़िएगा दोस्तों, और मात्र 20 रुपये आपका जो है कि ऑटो से किराया लगेगा दोस्तों, और इस जगह पे आपको छोड़ देगा दोस्तों ऑटो वाला।
ये काफ़ी विकराल रूप ये समुंदर अपना ले चुका है दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है दोस्तों। ये कैमरा की आवाज़ भी थोड़ा सा स्लो है इसके आगे, क्योंकि अपनी आवाज़ बिखेर रहा है ज़बरदस्ती। दोस्तों ये जो पुल दिख रहा है आप लोग को, देख लीजिए, ये अच्छे अच्छे फिल्मों में शूटिंग किया था दोस्तों। और ये पानी की लहर इतना तेज है, तो आप लोग इस नज़ारे को अगर नहीं देखे हो दोस्तों, तो आप लोग इस नज़ारे को देखिए, काफ़ी सुंदर लगेगा आपको दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ ही यहाँ से कुछ दूर पे आप लोग जाएंगे दोस्तों, तो आप लोगों को मोटर बोट वगैरह भी दिखेगी जो समंदर में चलाई जाती है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये पूल के ऊपर लाइट भी लगे हैं, और ये जो दो पिलर आपको दिख रहा है दोस्तों बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया दोस्तों। दोस्तों ये बिल्कुल एक झूले पे है दोस्तों, नीचे अच्छे अच्छे पिलर है दोस्तों, जो कि इसकी मजबूती के प्रतीक हैं। समंदर के अंदर इतना गहराई में पिलर देना दोस्तों, ये इंजीनियर की दोस्तों काफ़ी काबिल तारीफ चीज़ है जो बनाया होगा दोस्तों इसको। देखने में तो लग रहा है दोस्तों कि बहुत कम गहरा होगा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गहरा है दोस्तों, और इस गहराई के अंदर ये पिलर का निर्माण और एक पुल बना है दोस्तों, जो कि बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ है दोस्तों, समंदर के अंदर ये पुल बनाना। दोस्तों आप लोग देखिए, हम लोग तो काफ़ी देर तक इस समंदर की लहरों का आनंद उठाए, तो सोच रहे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग भी देखेंगे दोस्तों। तो कुछ कैमरे में मिस्टेक हुआ, ऐसे वीडियो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों ये चट्टाने हैं, और ये काफ़ी करीब से लेने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन काफ़ी दूर है, इसकी वजह से शूट नहीं हुआ अच्छा। शायद DSLR कैमरा होगा तो आप लोग को मैं अच्छे से दिखा देता, फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग को ये आनंद। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लोग देख सकते हैं, कपल्स लोग ले लेके बैठे हुए हैं अपने अपने गर्लफ्रेंड से दोस्तों, और कुछ आपत्तिजनक स्थिति भी थी दोस्तों, तो हम लोग कैमरे से नहीं लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था आप लोग को दिखाना। बस ये समझ गए दोस्तों कि यहाँ वेस्टर्न स्टाइल पाश्चात्य सभ्यता कंप्लीट रूप से लागू है दोस्तों। दोस्तों कुछ देर बाद हम लोग इस ऊपर चढ़े हैं दोस्तों, ये सीढ़ी के माध्यम से हम लोग ऊपर आए हैं, और ऊपर से नीचे का नज़ारा, पहले तो नीचे थे देखिए दोस्तों, अब ऊपर आ चुके हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी है नीचे, काफ़ी ख़तरनाक है, अभी आइएगा तो आप लोग आराम से उतरिएगा। उसके दूसरे साइड से भी सीढ़ी है दोस्तों, और यहाँ पे जाली नुमा बनाया गया दोस्तों, ये जाली नुमा से रास्ता है, और इस साइड से रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी आदमी लोग कोशिश करके इस रास्ते से निकल के जाते हैं। दोस्तों देख लीजिए, हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, और ऊपर से नीचे का नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं। ये चट्टाने लगे हुए हैं दोस्तों, ये पानी की लहरें, और ये पुल का दिखता हुआ पिलर, और नीचे छोटे छोटे आदमी लोग दिख रहे हैं दोस्तों, और कुछ कपल्स लोग हैं कुछ। और दोस्तों यहाँ पे वनस्पति का भी पेड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, देख लीजिए, जैसे कि यहाँ मौलवी साहब भी अपना सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे कि हम लोग भी वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी सुंदर सुंदर वनस्पति लगी है, जो कि डेकोरेशन के काम आता है दोस्तों, पौधा जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और ये नारियल है दोस्तों, ये नारियल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस नारियल पर दोस्तों 7 से 8 पौधे जमे हुए हैं, एक नारियल पर दोस्तों 7 से 8 पौधे हैं दोस्तों। ये वनस्पति लगाया गया दोस्तों, और इस साथ साथ देख लीजिए मेरे पीछे बहुत सारे पौधे हैं दोस्तों। दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, जब आप जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। कैमरा मैन नीलेश चौहान भी हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं सल्यूट करके दोस्तों। ये सब देख सकते हैं आप लोग, ये जो है नारियल का पेड़ है दोस्तों, और नारियल फरे भी है दोस्तों, नारियल का फल लगा हुआ है, बट कैमरा ऊपर से रीड नहीं कर पाता, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। देख लीजिए ये भी इससे आप लोग, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ बट दिख नहीं रहा दोस्तों, ऊपर कैमरा ले जाने की वजह से थोड़ा सा रोशनी अजीब आ रही है। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा दिख रहा है, वो नारियल का फल है। और ये दोस्तों बाहर से जो पीछे का रास्ता दोस्तों वो है, यहाँ पे हम लोग गेट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं,
और उस देख लीजिए बगल बगल में कैसे कैसे पौधे लगे दोस्तों, काफ़ी सुंदर सुंदर प्लांट हैं। आप लोग ये प्लांट शायद अपने घर के अगल बगल देखे होंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर वनस्पति लगाई है दोस्तों। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सेम बूटी है दोस्तों, ये बहुत ही अजीब अजीब है पेड़ पौधे, छोटे छोटे वनस्पति, तो ये इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे अंदर खाना मना दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे बोर्ड, यहाँ पे आप लोग खाना नहीं मंगा सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख लीजिए इस पौधे को दोस्तों, कितना सुंदर सुंदर दिया। स्वच्छ रखने के लिए धन्यवाद यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कि स्वच्छता बनाए रखें, जैसे कि आज तक ये मोटिव हो गया आप लोग के देश में कि स्वच्छता बनाए रखें, अच्छी बात है दोस्तों। स्वच्छता से ही अच्छे देश का निर्माण होगा और हर लोगों को स्वच्छता रखना चाहिए। देखिए दोस्तों ये सब पौधे हैं, कुछ नर्सरियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझको तो मैंने इसको शूट कर लिया। बाकी चीज़ जो कि आपत्तिजनक था जैसे कपल्स लोग का, तो मैं ये आप लोग को दिखा पाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों। देखिए दोस्तों ये सहजन बूटी का प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पे टाइमिंग लिखा है 6 AM से साढ़े, जैसे यहाँ पर समय दिया गया है 6:30 बजे तक इसकी ओपनिंग का टाइम दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए ताज लीजेंड है दोस्तों, यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है कि इसके अंदर आप नहीं जा सकते, जो नर्सरी है। बहुत ही सुंदर छवि है दोस्तों, टाइमिंग देख लीजिए दोस्तों, वही दोस्तों ये पौधा देख लीजिए। जब भी आइएगा यहाँ एक बार घूमिएगा दोस्तों, यहाँ देख सकते दोस्तों यहाँ लिखा गया नो वेटिंग इनसाइड, इसके अंदर खाना बना है दोस्तों। दोस्तों देखिए खास रखा गया है, और देखिए दोस्तों ये सबाना आजम, श्रीमती सबाना आजमी है दोस्तों, मिस्टर राज्यसभा सदस्य थे दोस्तों, जो कि फोर्थ स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट जो है कि यहाँ पे उन्होंने योगदान दिया था अपना। दोस्तों ये देख लीजिए हल्का सा ग्राउंड बनाया गया ग्रास का, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये बांस का प्लांट है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। आप लोग जरूर से आइएगा यहाँ पे घूमने के लिए, अगर आप लोग के पास समय मिले। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैं भी हूँ यहाँ पे आप लोग के साथ, तो ये कैमरा मैन नीलेश चौहान है, गेट के द्वारा गेट के सामने खड़े हैं दोस्तों। ये प्लांट का गेट बना हुआ है, ये काफ़ी सुंदर लगता है। और ये लीजिए होटल देख लीजिए दोस्तों आप लोग, और ये यही गेट के थ्रू लोग अंदर आए थे। और इधर सारे डस्टबिन रखे हैं दोस्तों कचड़ी डालने के लिए, और ये सब पेड़ हैं। और देखिए दोस्तों ये काफ़ी सुंदर वनस्पति है दोस्तों, मुझे बहुत ही प्यारा लगा दोस्तों ये। इस पौधे का शायद मैं नाम नहीं जानता था, मैं इस पौधे को शूट कर लिया ताकि मैं इसका नाम ढूंढ लूँ कौन सा पौधा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कपल्स लोग बैठे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और इधर इधर भी हैं दोस्तों। हम लोग धीरे धीरे दोस्तों अब आगे की तरफ जा रहे हैं, जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग लंबा उधर जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग उस स्थान पे आ गए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पत्थर में जब पानी आता है दोस्तों, तो बहुत भारी भारी केकड़े लोग होते हैं, जो हम लोग कैमरे शूट करने की कोशिश करें तो लोग केकड़े लोग वहाँ से भाग जा रहे थे। बहुत भारी भारी केकड़े होते हैं दोस्तों, आधा आधा केजी के केजी केकड़े होते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, अगर पकड़ने तो आपका हाथ ही काट ले, आपकी उंगली उतार सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ केकड़े कहाँ हैं। जैसे इसी पानी के अंदर रहते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इधर इधर ही होंगे दोस्तों, तो अभी शायद भाग गया है सर। दिख नहीं रहे दोस्तों, जब आप लोग आइएगा दोस्तों तो अपने नग्न आँखों से देखिएगा केकड़े दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग ये कैमरा से मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए केकड़े को,
यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों भाग रहे हैं सर, ये अंदर अंदर जा रहे हैं अपने अंदर। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी आइएगा आप लोग केकड़े को देखिएगा और ये स्थान देखिएगा दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। कैमरा मैन लिस्ट वहाँ